trees inside of me. Listen. Hello friends, मैं आपकी दोस्त दीपिका from उत्तराखंड. कैसे हैं आप सब? I hope अच्छे होंगे. आपको मेरे बाल चिपकू चिपकू से लग रहे होंगे. एक्चुअली स्कूल से आके थोड़ा लेटी थी, उसके बाद मैंने बच्चों को होमवर्क वगैरह कराया, उसके बाद मैंने मेहंदी लगाई. मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया था प्लीज़ घोल देना, मेरे हेडेक हो रहा है, थोड़ा मेहंदी लगा के ठंडक पहुँचेगी. तो उन्होंने घोल दी थी और उसके बाद मैंने हेयर वगैरह वॉश करे और हम गए फिर उसके बाद नुमाइश घूमने के लिए. थोड़ी थोड़ी ट्रिप्स ली हैं, बहुत ज़्यादा झूले नहीं देखे, लेकिन मतलब झूले बच्चे नहीं झूले क्योंकि महंगी बहुत हो रखे हैं. 100, 80, 70 ऐसे चार्जेस हैं. थोड़े इयररिंग्स मैंने 2-3 खरीदे जो दिखाऊंगी मैं आपको. अच्छा लगा, वैसे लग अच्छा रहा था. कुछ स्टॉल्स अभी लग रही हैं, अभी 10 तारीख से ही नुमाइश लगी है यहाँ पर. तो अगर दोबारा से गई तो फिर मैं आपके साथ नुमाइश की वीडियो शेयर करूंगी. लेकिन इतना जितना मैंने बच्चों ने झूले में झूला या कार चलाई वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी मेला हो या नुमाइश हो वहाँ सॉन्ग तो चलते रहते हैं, तो पूरी ही वीडियो में वॉइस ओवर करनी पड़ रही है. और इसका फ्रंट लुक है, पिछली बार तो लंदन ब्रिज का फ्रंट लुक बना था और इस बार कुछ अलग ही तरह का लुक बना है. नंदा सुनंदा देवी जी गणेश जी उनकी अलग अलग फ़ोटो लगाई गई हैं और ये हमने टिकट ले लिया है. 20 रुपीज़ का टिकट है. तो हमने 5 साल से बच्चों का टिकट स्टार्ट हो जाता है तो मैंने 4 टिकट लिए और ये कर ली है हमने एंट्री. अंदर स्टॉल्स लगी हुई हैं तरह तरह की, बच्चों के टॉयस की, इयररिंग्स, क्रॉकरी, आइसक्रीम. अभी भी कुछ स्टॉल्स लग रही हैं. क्रॉकरी की स्टॉल आधी ही लगी थी, पूरी नहीं लगी थी. और उतनी भीड़ नहीं है अभी जैसे कि पहले हुआ करती थी. ये देखिए ब्रेसलेट, चूड़ियाँ, कड़े, उनकी काफ़ी शॉप्स हैं और किचनवेयर आइटम्स हैं और जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं, गारमेंट्स हैं, काफ़ी मतलब बच्चों के इस तरह से बॉल्स हो गई, तो काफ़ी तरह तरह की शॉप्स लगी हुई हैं. बच्चों के लिए बहुत आनंद में मतलब समा कहा जाएगा यहाँ का, क्योंकि बच्चे ये सब चीज़ें पसंद करते हैं. तरह तरह के झूले आए हैं और कुछ नए झूले भी आए हैं जो पिछली बार नहीं आए थे. तो मेरे बच्चे तो बहुत ही खुश हो गए. कल बहुत देर लेट गए थे इसलिए बहुत देर नहीं रुके. तो किसी का भी नेक्स्ट टाइम जाऊंगी फिर आपके साथ यहाँ की वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ स्टॉल्स अभी नहीं लगे. थोड़ा मेरा गला ख़राब हो रहा है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा. तो सब अपने अपने पसंद की स्टॉल्स में गए हुए. महिलाएँ अपना इयररिंग्स, फैब्रिक वगैरह वो लेना पसंद करती हैं. वो किड्स अपने खाने पीने के या झूले वगैरह इसमें झूलना पसंद कर रहे थे. मेरे स्कूल के बच्चों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैडम हम लोग हो आए हैं और ये चीज़ें हैं, ये झूले आए हुए हैं. एक हथौड़ा आया है, एक डक वाला आया है और एक कार का नया आया है. मेरे बच्चे कार में ही बैठे तो मैंने कहा पहले एक लुक ले लिया जाए. भेलपुरी वाला है, तरह तरह के हैं और थोड़ा सा इस बार नाइट्रोजन वेफर्स वाला भी आया है जो कि थोड़ा सा अलग था. अभी मैंने नाइट्रोजन वेफर नहीं लिए, नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तब लूँगी. और कुछ झूले ये पिछली बार भी था, कुछ झूले पहले की तरह ही हैं. और बच्चों ने जिद्दी करी ट्रेन में बैठने की तो मैं भी बच्चों के साथ ट्रेन में बैठी. इसके पापा नहीं बैठे, उन्हें कुछ फ़ोन कॉल करनी थी तो उन्होंने कहा तुम लोग बैठो, तो हम लोग बैठ गए थे. तो थोड़ा सा मैं चारों तरफ का दृश्य आपके साथ शेयर कर रही हूँ. बच्चों के लिए बिग सा बाथ टब भी बनाया गया है और यहाँ देखिए बच्चे बोटिंग कर रहे हैं. बच्चों को इन सब को करने में बड़ा ही आनंद मिलता है, बड़े खुश होते हैं क्योंकि एकदम घर में ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती जो कि यहाँ मिल जाती हैं. अभी एक ही बाउंसर आया हुआ था, पिछली बार 2 आए थे, हो सकता है दूसरा आने वाला हो. पिछली बार कैमल नहीं आया था लेकिन इस बार फिर से कैमल आया. और जब हम पहले आया करते थे कोरोना पीरियड से पहले, तब 2-3 कैमल तो हुआ ही करते थे. तो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा लग रहा है क्योंकि पिछली बार काफ़ी कम दिन नुमाइश रही थी. लोगों ने फैला दिया था कोरोना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया करके काफ़ी जल्दी हट गई थी. चलने लगी है.
सिर्फ कार रेसिंग में सिर्फ 2 मिनट का समय मिला था और उसके बाद अपने आप ही इलेक्ट्रिक जो कार है ये बंद हो जा रही थी। बस बच्चे दौड़ के आ गए हैं और उसके बाद बच्चों ने कहा हमें सॉफ्टी खानी है, तो मुझसे पूछा, मैंने कहा ना बाबा मेरे थोड़ा सा गले में दर्द था, तो बच्चों को मिस्टर प्रदीप पंत ने सॉफ्टी दिलाई, फिर थोड़े से मैंने इयर रिंग्स वगैरह खरीदे और उसके बाद फिर हम घर की तरफ प्रस्थान हमने कर लिया। बस ये बाहर का लुक है, यहाँ बच्चों ने पॉपकॉर्न की शॉप देखी तो पॉपकॉर्न भी खरीद लिए। और इसी के साथ चलिए फिर मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।